स्पाइसजेट की मुंबई दुर्गापुर उड़ान में लैंडिंग के दौरान बड़ा हादसा होते होते बचा। हालांकि इसमें 12 लोग जख्मी हो गए। असल में स्पाइसजेट के एक विमान ने रविवार को मुंबई से पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर के लिए उड़ान भरी थी, जिसे दुर्गापुर के अंडाल स्थित काजी नजरुल इस्लाम एयरपोर्ट पर लैंड करना था। अचानक खराब मौसम के कारण फ्लाइट को तूफान का सामना करना पड़ा, जिसमें केबिन में रखे सामान यात्रियों के ऊपर गिरने लगे। हालांकि इस भयंकर तूफान के बाद भी किसी तरह से फ्लाइट सुरक्षित लैंड हो सकी। तो तस्वीरें आपके सामने हैं, ये उसी फ्लाइट की तस्वीरें हैं, स्पाइस जेट की। अच्छा, मुंबई थे के नीचे उतरने का समय 3 बार झटका मारा था। अच्छा, जैसे गाड़ी में बम्पर लगता ना, उससे ज्यादा बेल्ट। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ मेरी सहयोगी हिना फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। हिना, तो एक बड़ा हादसा जो है होते होते बचा है, इस बारे में ऑफिशियल्स क्या कुछ कह रहे हैं, क्या अभी हमारे पास कोई और अपडेट आ पाया है, किस तरह से ये हादसा हुआ? जी बिल्कुल, आपको बता दें ये कल के एक फ्लाइट के दौरान ये हादसा हुआ था। स्पाइसजेट की बोइंग 737-800 एयरक्राफ्ट है जो बॉम्बे से दुर्गापुर, मुंबई से दुर्गापुर जा रही थी, और फ्लाइट के दौरान क्योंकि मौसम थोड़ा सा खराब था उस वक्त, तो काफी ज्यादा टर्बुलेंस हुई थी। हालांकि एयरक्राफ्ट जो है सेफली दुर्गापुर में लैंड कर गया था, लेकिन हमें अभी जो ताजा जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये पता चला है कि 14 पैसेंजर्स को जो है इंजरी हुई थी, उनको चोट लग गई थी और भारी चोट लग गई थी, ऐसी हमें खबर मिल रही है। और एक केबिन क्रू मेंबर भी जो है इंजर हो गए थे इसी टर्बुलेंस के दौरान। आपको बता दें कि कई लोगों को सिर पर इंजरी हुई है, स्टिचेस भी आए हैं, और एक पैसेंजर ने स्पाइनल इंजरी की भी कंप्लेन की है। तो आप जिस तरह से तस्वीरों में भी देख सकते हैं, ये समय इस फ्लाइट में काफी ज्यादा मुश्किल का रहा था सभी पैसेंजर्स के लिए। अभी ताजा अपडेट ये है कि लगभग 14 पैसेंजर्स जो है इंजर हो गए थे इस पूरे इंसिडेंट में। फ्लाइट हालांकि लैंड कर गई थी, अभी भी कई सारे पैसेंजर्स जो है वो अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हैं अस्पताल में, क्योंकि दुर्गापुर में जैसे ही फ्लाइट लैंड करी थी उसके बाद सबको अस्पताल भेज दिया गया था। स्पाइसजेट की तरफ से एक स्टेटमेंट भी आई है जिसमें उन्होंने कंफर्म किया है कि सिवियर टर्बुलेंस हुई थी इस फ्लाइट के दौरान SG-945 मुंबई टू दुर्गापुर, और ये जो है जिसकी वजह से पैसेंजर्स को इंजरीज भी हुई थी। इमीडिएट मेडिकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड उनको किया गया था। स्पाइसजेट एक्सप्रेसेस रिग्रेट एट दिस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, और जितनी भी मदद हो सकती है पैसेंजर्स की वो करवाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा स्पाइसजेट ने अपने स्टेटमेंट में कहा है। जी बिल्कुल, तो अभी जो है इलाज चल रहा है लोगों का जो इसमें जख्मी हुए हैं, घायल हुए हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हिना, इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस बड़ी खबर पर आपको लगातार हम अपडेट देते रहेंगे।